इसी बात वजह से वो है। मेरा अकाउंट हैक हो गया था। वो क्या स्टोरी है फिर, कैसे हो गया? आपने कोई पासवर्ड वासवर्ड किसी ने लिंक भेजी थी आपको, क्या हुआ था? हाँ ज्यादातर तो बिल्कुल। होता ऐसा ही होता है ज्यादातर, बाकी तो हाँ ऐसा कोई इतना स्मार्ट भी नहीं होता कि विदाउट कुछ लिंक भेजे कर दिए हैकिंग शायद, हाँ, वही हुआ था। लिंक जो है मतलब कुछ वो माना यही होगा। स्टार्टिंग में यही वो देते हैं कि भाई हम आपके आप हमारी वीडियो पे ऐड दो, हम आपकी अच्छा वीडियो पे ऐड डालेंगे और आप जो है हम आपको फिर उसका वो देंगे, डॉलर में पैसे आपको देंगे। मनी देंगे अच्छा और हाँ पैसा देंगे और फिर आप से हमारा जो चैनल है वो उनका हमारा चैनल प्रमोट होगा और वो अपनी वीडियोस हमारे चैनल पे डालेंगे, तो अच्छा उससे जो भी एड्स आएंगे उससे वो जो मनी जनरेट होगा तो देन वो फिर हमको देते। अच्छा तो ओके फिर उसने ओके। पासवर्ड वगैरह मेरे मांगे और वो सब मैं फिर उसको देती चली गई। हाँ वो उसमें तो होता ट्रैप ही में हम है। फंसते चले गए थे। अच्छा, जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो तो बिजनौर हुई है, बट उसके अलावा जो मतलब काफी कुछ, मैं उत्तराखंड से भी बिलोंग करती हूँ। अच्छा सही है। हाँ, तो दोनों ही है मेरे। नहीं, पर मेरे भी थोड़ी फिर उसमें गड़बड़ी अभी चल रही है क्योंकि मेरे को भी फेसबुक से अभी उसमें दो दो तीन तीन चार चार मेरी आईडी भी कुछ बनी हुई है। बहुत गड़बड़ हो गया जब से ये हैक हुआ था चैनल, तो अच्छा मेरा पे आउट भी सब खत्म हो गया उस चक्कर में। बहुत मैं प्रॉब्लम में रही थी उस टाइम में। कोई होना भी मेरे चाहिए, से हाँ हल्का सा भी लिंक मांगता है तो मेरे को फिर उसमें वो हो जाता है कि क्या क्यों होगा इसलिए चाहिए वो लिंक, किस लिए चाहिए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर यही होता है। बिल्कुल, नहीं। आजकल फ्रॉड्स वगैरह बहुत हैं, बहुत ज्यादा ये सब हो रहा हाँ है आजकल है। हाँ लाइफस्टाइल तो वाला जो ना, है उसका डिमांड भी बढ़ा लोगों को है। हेल्थ के इशू आने लगे हैं ना आफ्टर कोविड, तो फिर इस वजह से लोग आजकल हेल्दी फूड की तरफ ज्यादा जा होते रहे हैं। हैं। आपका क्या रहा था वो कुछ? एजुकेशन मैंने अच्छा एमएससी की है, एमएससी मैंने फाइनल मेरा चल रहा था बट फिर तो उसी के बीच में मेरी मैरिज हो गई थी। फिर मतलब मैंने बीएससी किस में किया था? बीएससी में तो सब्जेक्ट तो है जनरल पीसीएम, होता जनरल है बट फिर क्या तो मैं तो पीसीएम था, मेरे पास साइंस स्ट्रीम अच्छा थी। हाँ, तो कुकिंग वगैरह तो दूर दूर तक मेरा था उठा ही नहीं। नहीं है, तो कुछ हाँ कि मुझे कुकिंग भी कर, और इसी उसमें कभी आगे कुछ जाना होगा या कुछ ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो पढ़ने में ही रहे, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, साइंस था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उसमें तो वैसे ही कुकिंग वगैरह तो वैसे ही घर में ध्यान नहीं दिया जाता है। एक्चुअल फिर में साइंस मेरी में तो बच्चे मदर, ऐसे कॉन्शियस हो जाते हैं कुछ नहीं बिल्कुल करूंगी बिल्कुल, मैं, पूरा फोकस मेरा इस पे ही रहेगा ये वो। एक्चुअली मेरी मदर भी हिंदी की लेक्चरर थी और हिंदी और संस्कृत अच्छा डबल क्या एमए किया था मेरी मदर ने, तो बात है। और वो जो है लेक्चरर थी तो बस उनको भी यही था क्योंकि जो है वहां पे हमारे यहाँ घर पर यही पढ़ाई का ही माहौल था, तो बस उनको भी ये था कि बस पढ़े पढ़े पढ़े। और वैसे भी मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो अच्छा क्या बात है सही है। बस लॉट ऑफ इस उसमें पैम्परिंग। बस मम्मी ये चाहती थी बस पढ़े पढ़े पढ़े, तो उस पढ़ने के चक्कर में बस पढ़ते पढ़ते फिर मेरी मैरिज भी हो गई। और उस वक्त मेरे को शादी के टाइम से पहले केवल मेरे को एक दाल और एक आलू टमाटर की सब्जी, केवल दो चीज आती थी तो बनानी, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। दालों कितनी में बार भी यही आपने पता था कि रोटी या दालों फिर वो आप कटोरी लेके करते थे कि फिर प्रैक्टिस नहीं, करते नहीं थे? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, वो सब शादी के बाद ही सीखा है, आफ्टर मैरिज। मेरे इन लॉज हाउस में मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे जेठ जेठानी, ज्वाइंट फैमिली थी मेरी, तो अच्छा बिना कुकिंग के तो वैसे ही चलेगा गुजारा नहीं। नहीं था, चलना ही नहीं था, चाहे आप कितने ही पढ़े हुए हो कितने ही कुछ हो, कुकिंग तो ये होनी थी। बस फिर घर में यहाँ पर आकर सब कुछ धीरे 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 सीखा, उनसे भी बहुत कुछ सीखा, इन लॉज से कुछ मैंने अपनी जेठानी से बहुत सारी चीजें सीखी, मदर इन लॉ से सीखी। और फिर जब मैं, मेरी मम्मी असल में काफी चीजें बहुत अच्छी बनाती, वैसे मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा क्योंकि क्योंकि पढ़ाई जॉब में जॉब थी में तो थी। वो भी ज्यादा कुकिंग वगैरह नहीं करती थी, बट कुछ चीजें थी जो काफी अच्छा बनाती थी, वो छोले हो गए, कढ़ी, राजमा, तो ये चीजें मैंने मम्मी से सीखी हैं अपनी। और आज भी मैंने कढ़ी जो है बिना प्याज और बिना लहसुन की उन्हीं की बनी हुई मैं जो बनाती हूँ वही मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। और उसके अलावा मेरे जो इन लॉज हैं, मेरी जेठानी और मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो हैं राजस्थान की, बीकानेर अच्छा से बिलोंग करती हैं, तो कुछ राजस्थानी डिशेज गट्टे हो गए जैसे पापड़ की सब्जी, ये सब मैंने उनसे सीखी है। बस ऐसे ही सीखते 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 धीरे 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 चलते चले गए और फिर अचानक ये लॉकडाउन आ गया। तो और उस टाइम पर बस तब तक कुछ नहीं था क्योंकि वो मैंने फ्री टाइम में 2020 में आपको ही स्टार्ट सोचा? किया है, 2020 में ही मैंने लॉकडाउन में ही अपना हाँ चैनल स्टार्ट किया है। बस बैठे बैठे ऐसे अचानक से बैठे थे कि खाली बैठे हैं, क्या करें क्या करें, आगे जो है टाइम ऑनलाइन का ही है, तो ऐसे सोचते हैं कि चलो कुकिंग चैनल स्टार्ट करते हैं। और किसने अब तक किसने
किसने अपना बोया ही था, भाई? मेरा मेरा खुद का वो था, अपने मुंह से निकला मेरे अचानक से। अच्छा, ओके। हाँ बस उसमें ये था कि घर में मेरे को सबने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, और तो बस तब से स्टार्ट किया। और फिर कुछ भी नहीं था, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो था, तो कुछ भी नहीं आता था इस उसमें। बस फिर मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प की, मेरी डॉटर्स ने, उन्होंने ही चैनल को क्रिएट कर दिया, क्रिएट किया सब कुछ, वीडियोस बनाने में, एक 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 वीडियो में मेरे को बोलने में 20-20 आधा आधा घंटा लग जाता था स्टार्टिंग में। जो हम स्टार्टिंग में जो बोलते हैं अपने चैनल उसके बारे में बताते हैं, वीडियो के बारे में प्रैक्टिस नहीं होती, फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आए थे। बट फिर धीरे 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 अब तो ये है कि कैमरे के आगे खड़े हो और बस फटाफट बोलना शुरू कर दो कुछ भी। तो बस ऐसे ही करते 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 और आज मेरे चैनल पे हो गए हैं 6,000 सब्सक्राइबर। काफी बढ़िया है। तो ये आप ट्राइपॉड स्टार्टिंग से ले लिया था कि कोई किसी को आपको, किसी को आपने बताया था ट्राइपॉड पहली बार के लिए? ट्राइपॉड असल में ले तो लिए, पहले ही ले लिया था, मतलब इसके बाद ही धीरे 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 लेना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने लिया था ट्राइपॉड में ही, जो फोन का जो ट्राइपॉड होता है, फोन का जो ट्राइपॉड आता है, रिंग 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 लाइट जिसको बोलते हैं। अच्छा। बट वो फिर ज्यादा चला नहीं, काम नहीं करा उसमें। हाँ फोन से फिर DSLR था अपने पास। अच्छा क्या बात है, सही है। कैनन का हाँ ऑलरेडी था पहले से ही, तो बस उसको यूज कर लिया इसमें। जो वीडियोस हैं और जो फोटोज हैं लास्ट की, मैं उससे क्लिक करती हूँ। स्टार्टिंग में सारा मेरा एडिटिंग हर चीज सब बच्चे ही करते थे, बट धीरे 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 बच्चों से, बच्चे भी कब तक करते, उन्होंने धीरे धीरे मैंने बच्चों से सब कुछ सीख लिया। और अब थंबनेल भी आपकी बहुत बढ़िया रहती है, तो मुझे लगता है DSLR से आपने अगर फोटो खींची है तो एकदम वो आएगा, एकदम क्रिस्पी फोटो आता है। हाँ जी हाँ जी हाँ थंबनेल फोन के कंपेयर में तो बहुत बढ़िया आता है, DSLR नेचुरली आता है कुछ कर। आपने क्वेश्चन किया था पहला, आपने पहली रोटी जलाई हो, आपने खाना बनाना कैसे सीखा? खाना बनाना सीखा तो मैंने बताई दिया आपको, पूरी वो हो ही गई है ना, खट्टी मीठी यादें, वो यादें बताई दी हैं आपको, है ना। कुकर के अंदर खाना जलाया हो, नहीं जला कभी भी? नहीं कुकर तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ ही करते थे। क्योंकि आता नहीं था ना, आता नहीं था, तो वो स्टार्टिंग से ही हम थोड़ा सा सेफ लेकर ही चलते थी। मैं स्टार्टिंग से ही पूछ पूछ के, इसको कितनी देर रखना है, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, कितनी देर में कितना पानी डालना है इसमें, तो इसलिए बस वो ऐसा कुछ आया नहीं कोई इंसिडेंट। अच्छा ये था, नहीं, एकदम खिले खिले होते हैं राइस। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा, अच्छा हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी टेक्निक है। तो हाँ कुकर में खाली बनाना इज नॉट इजी, नॉट अ पार्ट, ये इसमें पानी कितना डालना है, कितनी सीटी लगनी है। दाल बनाना कहना तो बहुत आसान होता है कि दाल ही तो बनानी होती है, बस दाल में है क्या, लेकिन दाल में कितना पानी आपको डालना है, कितनी सीटी लगनी है, वो एक मेन हमको ध्यान रखना होता है इसमें। तो बिल्कुल हाँ नाप के बिल्कुल, जो उसका रेशियो होता है वो बिल्कुल हमें एक्यूरेट रेशियो हमारा होना चाहिए। जो कि दालें हैं, हर दाल का अलग रेशियो है, जितनी हम दाल ले रहे हैं, जितनी कितनी हमें सीटी लगानी है कुकर में, कितना पानी डालना है, और कितने लोगों के लिए, अनेक अलग है। हाँ अरहर की दाल है, मूंग दाल का अलग है, अरहर अलग है, चने की अलग है, हर दाल का डिफरेंट रेशियो है। हाँ जितनी कड़क है, थोड़ी चने की दाल जैसे उसमें थोड़ा सा ज्यादा हम पानी डालते हैं, हाँ वो तो हाँ उसमें तो ज्यादा ही है, उसमें 1 और 6, 6 और 7, 8 का रेशियो है चने वगैरह में। तो अगर एक कटोरी चने लिए, कम से कम 6 या 7 कटोरी हम इसमें पानी का रेशो रखे हैं, और सीटी भी उतनी हिसाब से लगेंगी, फिर 6 to 7 तो लगेंगी मीडियम फ्लेम पर, फ्लेम का भी हमें ठीक से, पानी खत्म हो जाए अंदर से रह जाएगा। हाँ पानी कम डाल दें, कुकर फटने का चांसेस हैं, जल जाती हैं बिल्कुल। हाँ ऊपर से हाँ सीटी में, हाँ सीटी में अगर हमारे वो दाल वगैरह निकलती है, तो जैसे वो होती है धुली उड़द की दाल होती है, उसमें हमको मेन और एक अरहर, इन दो दालों में थोड़ा ज्यादा हमारी सीटी बाहर आ जाती है दाल ओवर, तो उसके लिए सीटी के अंदर हल्का सा हम ऑयल अगर डाल दें, मतलब सीटी लगाने से पहले जो ढक्कन होता है
उसमें अगर हल्का सा ऑयल डाल दें तो उसमें हमारी वो दाल बाहर नहीं आती। तो इस तरह के होते हैं छोटे छोटे से टिप्स जो मैंने इडली प्रीमिक्स की एक रेसिपी डाली है, वो मेन पर्पज उसका यही है कि आप जो है पहले से बनाकर, हाँ 3 से 4 महीने वो आराम से चलता है, और तो उसको आप बना के रख लीजिए, और जब भी आपका मन कर, क्योंकि अदरवाइज हम हमेशा सूजी की इडली पर डिपेंड रहते हैं इंस्टेंट बनाने के लिए, या फिर हम बैटर लाएंगे दाल चावल वाला, दाल चावल की हमारी इंस्टेंट नहीं बन पाती इडली, तो इसके लिए हम अगर वो बैटर जो मैंने पाउडर बनाया है इडली के लिए दाल और चावल का प्रीमिक्स रिसेंटली डाला है मैंने, हाँ जी हाँ जी, तो उसको अगर हम ट्राई करेंगे, वो मैंने यही सोचकर बनाया है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट आने वाली है अभी, तो उसमें मैंने सांभर मसाला बनाया है इस तरह से कि उसमें कुछ ना दाल भिगोनी है, अरहर की दाल अदरवाइज चाहिए होती है ना उसमें भिगोने के लिए हमको पहले सांभर के लिए, और सांभर मसाला हम उसमें ऐड करते हैं, बस उसमें हर चीज उसी के अंदर ही है, खाली बस गैस पे आपको ऑयल डालना है, हल्का सा उसमें जीरा और ये जो राई डलती है करी पत्ता, बस वो डाल के आप उसको मसाले को डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के बस, और सांभर एकदम रेडी है आपका। तो वो रेसिपी आने वाली है, तो ये मैंने यही सोचकर बनाई है कि बाहर जो लोग रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है फॉरन वगैरह में, हाँ, ताकि वो कर सकें, अदरवाइज ये फिर इस तरह की सब चीजें वो खा नहीं पाते हैं, सांभर हो गया, इडली हो गया, उसमें प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, अपने आप बनाना वो सबको बहुत चक्कर का काम है, तो ऐसे में बस फटाफट, उन पर ज्यादा टाइम होता नहीं है, कॉलेज होते हैं, जॉब होती है, काफी इंटरेस्टिंग है। इनके हिसाब से हमारा ग्रेड है C+। ओके नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मालूम है बिल्कुल, हाँ हमारी भी स्टार्टिंग है अभी, वो तो ये है कि मैं तो खुद हॉबी के लिए मैंने किया था, ऐसा कुछ वो नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था स्टार्टिंग में कि ऐसे यूट्यूब पे कुछ पैसे भी मिलते हैं, कुछ अर्निंग भी होती है, केवल शौकिया शौकिया डाला था, शौकिया कि खाली बैठे हैं, लॉकडाउन है तो कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो यही काम कर लेते हैं, बच्चे भी खाली थे पूरे टाइम, तो सबको खाली उनको भी स्किल आ गई ना आपके चक्कर में, मतलब आपके कुकिंग के चक्कर में, बिल्कुल नई चीज सीखी बच्चों ने भी, तो इस उसमें आ गया बस, फिर मुझे अच्छा लगने लगा, फिर मैं इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों ने तो बहुत वो भी किया कि भाई रहने दो कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया, बस अब छोड़ देते हैं, ये है वो, आप इसे प्रॉब्लम होगी आपके, क्या प्रॉब्लम उसमें, क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो आता मतलब वो बात ठीक है, कुकिंग के तो, कुकिंग के तो नॉर्मल चैनल वीडियोस ही होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो तो है बट उनको एडिटिंग उसमें और उसको अपलोड उसमें बहुत है, काम तो होता है, काफी काम तो होता ही है, 100% है, हाँ काम है, फोटो क्लिक करना, थंबनेल बनाना, सब कुछ भी नहीं पता था, नाम भी नहीं पता था थंबनेल होता क्या है, देखा इतनी वीडियोस, फिर अनगिनत, फिर कुछ बच्चों से सीखा, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनको देखा, और इस तरह से बस देख देख के वो सब कर करके सीखते चले गए, और बस आज जो है हमारे हो गए हैं। आपके वीडियो के चक्कर में, आपके वीडियो के चक्कर में आपके घर में किन किन को कुकिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, या तो किसी को नहीं है, बनाते किसी को नहीं है, नहीं 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 जो नहीं 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 बच्चे बिल्कुल बिल्कुल, बस खाने का काम है उनका, हमारा बनाने का काम है, और वो बस कभी आ जाए फोटो वोटो खींच देते हैं, बच्चे खींचते हैं और घर में होते हैं, तो अदरवाइज तो मैं खुद ही करती हूँ, और उनको तो वैसे खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है बच्चों को, तो यहाँ खेलो वहाँ जाके खेलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लॉकडाउन में आपने क्या क्या गेम्स खेले थे? लॉकडाउन में हम लोग लूडो खेलते थे, हाँ लूडो खेलते थे लोग, ये लॉकडाउन में तो ये लूडो तो सभी नहीं खेला है, उस वक्त इतना ज्यादा है पॉपुलर हो गया था लूडो तो, कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, हैं लिमिट ही नहीं थी, मतलब लिमिट ही नहीं थी, फिर उनो उनो बहुत लोगों ने खेला था, हाँ उनो कार्ड जो आता था, ओहो फिर से मैं वही आपके ढूंढ रही हूँ, कोई बात नहीं टाइम लीजिए, होता है ज्यादा, आपने हमारी बातें इतनी हो गई ना, कहाँ पे चला गया वो भी चक्कर में, यहाँ पे वहाँ जाओ, अभी था फिर मैंने और सारे दिखते हैं, बस ये वही नहीं नजर आता, फिर मैंने लास्ट फोटो भेजा था वो आपको समझ में आया ना, अलग अलग सोशल मीडिया आ गया आ गया आ गया, सोशल एक्सप्लेनेशन है, हाँ विंटेज सोशल नेटवर्किंग, मैं ना क्वेश्चंस पे आना चाह रही हूँ ताकि खत्म हो जाए, आपको भी कुछ करना होगा, कर ले, हाँ बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि आजकल ना मैं रील्स डाल रही हूँ काफी, हाँ अच्छा अच्छा करिए, शॉर्ट्स, हाँ शॉर्ट्स और रील्स इन्हीं पे ही मेरा वो है मोटिव, तो उसमें मेरे को फिर लग रहा है टाइम, तो डेली का मैंने पड़ती है, नॉर्मल वीडियो के कंपेयर में उसमें थोड़ा सा ज्यादा वो आपको एफर्ट लगेगी, हाँ ज्यादा लगती है, बट उससे ना हमारे व्यूज और वो ज्यादा आते हैं, वॉच टाइम बहुत ज्यादा आता है, वॉच टाइम तो इतना नहीं आता उससे, व्यूज आते हैं इससे ज्यादा,
वॉच टाइम तो देखिए 1 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट में वॉच टाइम आपको कितना मिल जाएगा। पर वो पर ये पूरा वीडियो, पूरा वीडियो लोग देखते नहीं ना, उसके कंपेयर में ये व्यूअर एंगेजमेंट जो है ना, व्यूअर एंगेजमेंट ज्यादा हो जाती है। हाँ ये भी बात है, व्यू भी है। हाँ पर यूट्यूब में जो है व्यू का इतना महत्व वो नहीं है, वॉच टाइम आना चाहिए, वॉच टाइम आना चाहिए एक टाइम के बाद। हाँ वॉच टाइम हमको ज्यादा इसमें नीड होती है। जितना पूरा वीडियो आपको लोग देखेंगे उतने एड्स ज्यादा आएंगे, अदरवाइज एड नहीं आएंगे आपके, अगर वॉच टाइम अच्छा नहीं होगा तो। तो और बाकी हाँ वो भी आपने कर दिया कि नहीं, कि अमेजोन एफिलिएट अकाउंट होता है अमेजोन पे जाके, तो आप जो जो रेसिपीज बताती है ना उसमें जो आपने छोटे मोटे बर्तन यूज किए हो उसकी लिंक जनरेट कर लेने की अमेजोन पे जाके। अच्छा हाँ वो मैंने किया नहीं है अभी तक। टाइम मिले तो आपको बच्चों को बैठा देता कि भाई चलो जैसे कि राइस लग गया, चीनी लग गई, जो जो आपने वो है अंदर यूज किया है वो एक फिक्स बना के रख देने का एक जगह एक्सेल शीट में, भाई चलो ये 10-15 बर्तन है हमारे, फिर राइस वगैरह जो है, राइस है गेहूं है, उसके एक एक किलो के पैकेट होते हैं अमेजोन पे, उसकी एफिलिएट लिंक जो है उसको कॉपी करके रखने का, फिर जो जो रेसिपीज आप बताते हैं फिर उसके हिसाब से वहाँ से लिंक लेके वहाँ डिस्क्रिप्शन में डालते जाओ। अच्छा मेरे को तो यही मालूम था कि इसमें शायद यूटेंसिल्स को ही हम लिंक डालते हैं, बट ऐसे चीजों का भी डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, लोग खरीदते हैं। ये हमने यहाँ से खरीदी है, वो तो नहीं बताने की जरूरत क्योंकि हमने नहीं खरीदी ना वहाँ से, वो नहीं बताए, बट लोगों को अगर चाहिए तो डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा तो करेंगे, उनको जरूरत होगी तो करेंगे लेंगे, और वहाँ पे जाके वो नहीं लेंगे कुछ और लेंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत उसमें भी फायदा मिल सकता है। अच्छा ठीक है मैं करती हूँ ये। अच्छा ये था आपके क्वेश्चंस थे, आपको यूट्यूब के वीडियो बनाने की प्रेरणा कैसे मिली वो मैंने आपको बता दिया है ना, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आप भी यूट्यूब पे रेसिपी की वीडियोस देखती हैं, ये था आपका क्वेश्चन है। हाँ तो मैं भी देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ, मैं रणबीर बरार के देखती हूँ, कविता किचन के देखती हूँ, कनक किचन से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। हाँ क्योंकि वो काफी फूड ब्लॉगिंग भी करती हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं कनक किचन। तो अच्छा रिसेंटली मेरे को एक कोलेबोरेशन किया है मैंने, दिल्ली में ही है थर्ड वेव कैफे, उनके साथ मैंने अभी कोलेबोरेशन किया था, तो फूड ब्लॉगिंग के लिए उनको मेरा कॉल आया था उनका मेरे पास, तो मैंने उनके लिए किया था अपनी मुझे वीडियोस वगैरह जो उनके यहाँ जाकर क्लिक करनी थी पिक्स, हाँ और वो फिर मुझे अपने इंस्टा पे डालनी थी। अच्छा तो इंस्टा उसमें थे, इंस्टा पे अगर आपके 1000 अबव फॉलोअर्स हैं देन यू कैन डू दिस, तो उसमें मैंने लिया था ये, तो उससे मेरे को उन्होंने वो पे आउट भी देते हैं और वहां पर जो है जाके आपको फ्री है फूड जो भी आप खाना चाहें। हाँ ये आजकल इन्फ्लुएंसर और फूड ब्लॉग तो मेरा ये भी काम है साथ साथ, तो इंस्टा पे मैं ये भी करती हूं। उसका एक आप ऐसा हो तो ब्रोशर भी बना सकते हैं कि भाई आपको रील्स का, तो रील्स में आई थिंक ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं, बट फूड ब्लॉगिंग में लोग ऐसा भी मांगते हैं कि भाई उनका जो जोमेटो या तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो है जोमेटो से था वो रिव्यू लिखना साथ साथ जोमेटो पे रिव्यू देना था, जोमेटो पे रिव्यू देना था उसका, हाँ तो वो भी हमने दिया था। हाँ मांगते हैं तो यही था, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ट्रिप एडवाइजर है वहाँ पे भी लोग मानते हैं, उसमें भी फूड ब्लॉगिंग फूड ब्लॉगर प्लस ट्रैवल ब्लॉगर वहाँ पे भी रिव्यू डालते हैं, और बाकी गूगल मैप पे तो है ही है, ये 3-4 चीजों पे मतलब आप ऐसा सर्विस ऐसे सर्विस होता है ना जैसे कि मैं ये करती हूँ, अगर आपको रील्स बनाना है तो जैसे आपके 6000 सब्सक्राइबर है और एवरेज आपके जो है ऐसा उनको बताना कि भाई एवरेज रील पे जो है 1000 व्यू आते हैं उसका ये रेट है, आप अपनी तरफ से कुछ लगा के। अच्छा ये भी है, YouTube का मेरे को मालूम नहीं है, असल में YouTube पे नहीं किया मैंने ये। या तो कोई भी सोशल मीडिया पे जितना आपका व्यू आता है या तो आपका एंगेजमेंट, उनको क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कि भाई हमने इतना पैसा डाला इसके ऊपर तो उनको क्या मिलेगा। हाँ तो ये कौन सी साइट है? नहीं आपको खुद ही आपका एनालाइज करना पड़ेगा अपने चैनल को। अच्छा 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 और हिसाब लगाने का कि भाई कोई आपके पास से वो करवाता है तो उसको कितना वो ट्रैफिक आएगा उसके वहां पे, उसका बिजनेस को कितना ग्रो मिलेगा, या तो ऑन एन एवरेज उसका बिजनेस जो है उसको कितने लोग लुकआउट करेंगे। हाँ। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि भाई मुझे 1000 रुपए चार्ज करने चाहिए, 5000 करने चाहिए। अच्छा
हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, हमें तो जो उन्होंने बोला मैंने उसको कर दिया। हाँ, वो तो 1200 आपने रुपये पहली उन्होंने बार हमको किया दिया ना। था। हाँ फर्स्ट टाइम किया अच्छा मैंने। अच्छा हाँ वो आप ऐसा दिमाग में सोचिए कि जैसे होता है ना अपने न्यूज़पेपर वगैरह, नहीं होता है उसमें ऐड आती है, उसमें होता है कि पहले पेज पे इतनी ऐड, इतने वर्ड का इतना पैसा, वो आप हाँ टेबल होता है उसका हाँ पूरा। एक बात। तो हाँ धीरे धीरे आप उसको भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो उसमें भी कर मतलब सकते हैं। साथ में एक्स्ट्रा वो मैं कर रही हूँ। हाँ मैंने एक बार डाला पहले हुआ था कागज पे रिज्यूम लिख लो वगैरह। सब, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके फिर लिख सकते हैं अच्छा वो तो ब्रोशर अपने को, वगैरह हाँ में, तो ये किसी ठीक को है। बेच देने का। जब भी आपको ऐसे, मुझे लगता नहीं आपके पास टाइम रहता होगा, फैमिली है और हाँ ये मेरे सब पास कर रहे उतना नहीं है। हैं, क्योंकि हाँ बाहर जाके करने में भी पूरा दिन चला जाता है, तो फिर घर वाले हाँ बोलेंगे यहाँ पर रखा जाएगा, क्या करोगे, फिर वहां से पार्सल हाँ नहीं वो करके तो लेके सब आना करके पड़ेगा। ही जाना पड़ेगा वो तो खैर। हाँ हाँ वो वो भी तो है सब घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर तो के, हमें रखनी है ही। खैर उसके अलावा है ये एक्स्ट्रा में हमारा टाइम एक्स्ट्रा में। बट दिल्ली में तो यार तो बिल्कुल बहुत ही एक्स्ट्रा आपके टाइम। पास ऑप्शन है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है वहाँ पे तो एक। और हाँ, ज़्यादा यूट्यूबर भी ये करते हैं, और इवन जो है जो यूरोपियन यूट्यूबर्स जो है, ट्रैवल व्लॉगर, फूड व्लॉगर, वो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, इवन हॉलीवुड वाले भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं, जब उनको अपना व्यूअरशिप बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर या तो व्यूअर्स आए उसके चैनल पे, तो फॉरेन के यूट्यूबर इंडिया में आके दिल्ली वगैरह में जाते हैं, चोर बाजार में जाते हैं, या तो चांदनी चौक में जाते हैं, या तो खाऊ गली जो होती है अलग अलग फूड गली, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, फिर या तो थोड़ी सी हिंदी की प्रैक्टिस करके हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं रिक्शा वाले से, इससे इससे उससे। तो इंडिया में क्या है कि लोग, ज़्यादा लोग ये यूज़ करते हैं, तो वो उसका, उनको भी क्यूरियोसिटी रहती है इंडिया के लोगों के, फॉरेनर इंडिया में आके क्या कर रहे हैं। तो जब भी फॉरेन के जो होते हैं उनको चाहिए होता है ट्राफिक अपने चैनल पे, तो आप भी देखिएगा जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर इंडिया के भी हैं, उनके सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो फूड व्लॉगिंग करते हैं, तो वो जो जैसे दिल्ली दिल्ली है मुंबई, उसके जो फूड स्ट्रीट होते हैं ना, वहाँ पे जो उन्होंने वीडियोस बनाए उस पर सबसे ज़्यादा होते हैं, कभी चोर बाजार हाँ पे जाके कुछ खरीद लिया, लोगों देखिए। हाँ, ऐसे पहले भी देखे मैंने। हाँ को ये थोड़ा सा वो रहता ठीक है, वो भी आप टाइम मिले, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा सा हाँ जैसे अभी कैमरा शाइनेस आपकी थी, वहाँ पे पब्लिक में बोलने में भी आपको थोड़ा सा वो फील होगा कि नहीं ये हाँ सब नहीं देख रहे हैं वो तो मुझे। हाँ वो थोड़ा सा पब्लिक में बोलने में थोड़ा सा तो शायद हो सकता है कि आपने अभी माइक वगैरह कुछ लिया है, कि अभी माइक वगैरह कुछ नहीं लिया है, माइक है मेरे पास। वायर्ड माइक है, बोया का, किसका है, माइक किसका है, एक सेकंड अच्छा बताती चल रहा हूँ। है, सही चल रहा है, हाँ अच्छा चल रहा है, एक सेकंड बताती हूँ। ये माइक है लेवल एयर लेवल एयर माइक्रोफोन। माइक, अच्छा माओलो, वो तो लेवल एयर तो एक वो है अच्छा, जैसे ओके ओके। कंपनी नहीं है, वो ऊपर लिखा है ना वही है। ये वैसे मैंने दिल्ली भी में तो ये सब अमेजोन बहुत अच्छा, अमेजोन से मंगाया है। ओके अमेजोन ओके, से ही परचेस किया है। जनरली तो लोग इससे फिर मैं अभी आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको अगर ऐसे इंटरव्यूज वगैरह में जाए, इंटरव्यू तो नहीं बट ऐसे थोड़ा कन्वर्सेशन करना हो कैमरा दूर रख के, तो फिर ये वायर वाले माइक में लोग बीच में आ जाएंगे आपके, गिरा देंगे धीरे अच्छा हाँ धीरे। फिर फ्यूचर में आप वो भी कर लेना, वायर वायरलेस जो आता है ना वो भी, आप अभी करेंगे। नहीं थोड़ा सा अभी आपको, स्टार्टिंग है, थोड़ा धीरे 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 देखते हाँ हैं क्या क्या हमारा कहाँ तक जाते वो भी हैं। कर हम सकते हैं अभी, ये तो अभी कोशिश ये तो है खराब हो मैंने। जाए, इसका वायर हाँ जो है ना बहुत पतला आता है, तो थोड़ा सा भी खींच जाएगा ना तो ये बंद हो जाएगा, अच्छा। बहुत पतला वायर आता है, इसीलिए अभी तो चल रहा है तो चलाने दो, चलने दो, अपने चल घर रहा पे है ही बिल्कुल। करना है, फ्यूचर में वो भी आप कर सकते हैं, जो वायरलेस आता है ना। अभी हमारे सिटी में भी बहुत सारे यूट्यूबर बनना शुरू हो गए, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं लोग, पहले नहीं था हमारे यहाँ पे यूट्यूब के नाम को मतलब पता नहीं था, जैसे आपके वहाँ पे सामने से बुलाते हैं ना ये रेस्टोरेंट वाले, हमारे यहाँ भी वो धीरे धीरे हाँ शुरू हुआ है, इमर्ज हो रहे हैं, अब तो यहाँ पे ई बाइक्स जब आए थे उससे शुरू हुआ था, ई बाइक्स के बहुत लोगों ने वीडियो बनाए, तो लोग बुलाते हैं कि हमारे ये शोरूम शुरू किया है, आ जाओ कुछ वीडियो बनाए बनाओ, तो उनका भी फ्री में मार्केटिंग हो जाता है, और ये भी होता ठीक है। है। अच्छा ये नेक्स्ट आपका, आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है, फेवरेट हाँ कनक किचन, वो तो मुझे पता चल हो गया। गए। आप वीडियो कैसे बनाते हैं? वीडियो डीएसएलआर, भी बनाने के लिए मैंने जो है DSLR तो मीन्स हो गया फोटो क्लिक मेन फॉर अच्छा थंबनेल, और लास्ट की जो मेरी वीडियो जो मैं सर्विंग वाले काम करती हूँ सर्विंग का, वो तो मैं करती हूँ DSLR से। बट ओके नॉर्मल वीडियो के लिए मैंने ले रखे हैं, आईफोन है मेरे पास तो ओके दो आईफोन में रखती हूँ। तो एक है मेरे पास iPhone 13, नहीं ओके सॉरी iPhone 11 है मेरे पास, और एक मेरे पास iPhone का 7 है।
तो इन दोनों से मैं जो हूँ दो एंगल लेकर वो मैंने कैमरा होल्डर अपने किचन में ही मैंने लगाए हुए हैं, कर दिया है। सेट किए हुए कैसे साफ करते हैं वहां पे ऑयल लगता है तो वो कैसे साफ करती है? नहीं नहीं दे यार वो है फोल्डिंग है, उनको लिया फोल्ड किया और रख दिया। अच्छा तो मुझे लगा लगा दिया। नहीं 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 परमानेंट कुछ नहीं है वो। तो ये तो फोन में भी लगता है पूरा, वो चिकना हो जाता है फोन, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ भाई 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 ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि फोन भी हमको हर समय रखना होता है फिर उसके बाद अपने पास, तो फिर क्लीनिंग का ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। होल्डिंग होल्डर उनको लगाओ यूज करो और उसके बाद हटा के रख देते हैं। हटा के रखते हैं। और है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में कोई हेल्प करता है? हाँ पहले मेरे बच्चे मैंने बताया हाँ करते थे, बट अब मैं एवरीथिंग मैं खुद ही करती हूँ। आपको फैमिली सपोर्ट मिला था? हाँ जी बिल्कुल मिला था फैमिली सपोर्ट, बिना फैमिली के तो हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते हैं सपोर्ट के बिना। तो हस्बैंड का भी सपोर्ट है और बच्चों का बहुत सपोर्ट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है खाना फिर मेरे को हिसाब से, कभी कभी जैसे मान लिए डिनर बनाना है, डिनर में मेरे को जो रेसिपी बनानी है और वो उसके मेरे को रील या वीडियो बनानी है, तो मैं उसी हिसाब से उसको पहले से प्लान करती हूँ और फिर उस टाइम तक मेरे को अपना डिनर भी रेडी करना होता है। कभी कभी होता था लेट किया जाता था, हो जाता है थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। हाँ मेरे मेरे जो भी रेसिपी है सारी ये है 4-5 सर्विंग सर, मतलब घर पे सब खा ही जाते हैं जो बंदा खा जाते हैं। बिल्कुल हाँ। उसका भी एक क्लिप डाल सकते हैं कि भाई सब लोग ऐसा बोल रहे हैं अच्छा बना है। अगर कैमरा शाही नहीं है फैमिली तो उसको भी धीरे धीरे इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या इसने अच्छा बनाया बहुत बढ़िया है हम इसको अप्रूवल देते हैं। अच्छा हाँ ऐसा कॉमेडी भी डाल सकते हैं। हाँ ठीक बात है। अच्छा आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं? कैमरा भी बता ही दिया है ना कैनन का है और DSLR है। फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? वो बताइए। फेवरेट डिश हाँ वो नहीं बताइए। फेवरेट डिश मेरे को पिज्जा पसंद है। अच्छा आई लाइक पिज्जा। पिज्जा में चटपटी चीज पसंद है ऐसा बोल सकते हैं? हाँ चटपटी तो मुझे पसंद है, चटपटी भी पसंद है। उसके अलावा पिज्जा में मेरे को हर तरह का पिज्जा पसंद है। टॉपिंग मीन्स टॉपिंग हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं उसमें। और पाव भाजी भी पसंद है। पाव भाजी मैं घर पर ही बनाती हूँ और पाव भाजी मेरी बहुत अच्छी बनती है। असल में एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी कुक हैं। मेरे कुकिंग ना मेरे को मेन तो मैंने अपने काफी चीजें मैंने अपने हस्बैंड से भी सीखी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड 5 साल रहे हैं नासिक। अच्छा। नासिक में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी तो वो हॉस्टल में रहे थे तो वहां उन्होंने काफी कुछ सीखा। तो जो भी पाव भाजी होगी पाव वड़ा इस तरह की जो भी डिशेज हैं बॉम्बे मुंबईया डिशेज वो सारी वहीं से ही हाँ वो सीख कर आए थे और बस उन्होंने ही मेरे को सिखाई है बहुत सारी डिशेज। पहले के टाइम में नासिक पे बहुत लोग जाते थे पढ़ते, वहाँ पे कॉलेजेस ज्यादा है, इंजीनियरिंग के बहुत है कॉलेज। हाँ तो वहीं थे वो, तो बस उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। उनको था कि जो भी बनाओ बेस्ट बनाओ बस, तो बस इस चक्कर में मैं सीखती चली गई धीरे धीरे। वरना तो होता है कि हस्बैंड की भाई ठीक है जैसा बना खा लिया जैसा बना खा लिया। तो ये भी एक उनको भी लाओ अपने चैनल पे एक बार मजा आ जाएगा। पहले थोड़े से ऐसे भी डाल सकते हैं कि उनको मैं बैठा दिया सब काटने कूटने बैठा दिया, ऐसा भी फनी वीडियो भी डाल सकते हैं। फिर ऐसे शेफ भी ला सकते हैं, मजा आ जाएगा ऐसा। हाँ कर सकते हैं कुछ, थोड़ा सा वो बिजी रहते हैं थोड़ा ज्यादा, लैपटॉप का उनका काम है अपना। हाँ हाँ और बाकी तो ये पिज्जा आप कहाँ से खाते हैं, मतलब कौन से घर पे बनाते हैं कि बाहर से मंगाते हैं कि दोनों तरह का है? घर पर भी बनाती हूँ और घर पर तो मैं बेस भी खुद ही बनाती हूँ, बाजार का बेस भी हम नहीं लाते हैं। उसकी भी रेसिपी वीडियो मैंने डाली हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल है। और बाहर का भी मेरे को पसंद है, डोमिनोज का पसंद है, पिज्जा हट का पसंद है मेरे को बहुत। ऐसे दिल्ली में तो लोकल भी बहुत सारे होंगे ना, ब्रांड लोकल है काफी है। हाँ हाँ लेकिन वो ये कि बस ये पॉपुलर यही है। खैर इसके अलावा भी आजकल तो जेमी ओलिवर वगैरह भी काफी आ गए हैं दिल्ली में, काफी ब्रांड है तो उनका भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो उनके साथ हम भी खा लेते हैं। फिर बच्चों को भी बहुत पसंद आता है पिज्जा, तो हाँ पिज्जा बर्गर चिप्स वही खाना है उनको, कुछ सब्जी तो खाना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में भी कुछ सोचिएगा, जैसे बच्चे है ना आजकल कुछ खाते ही नहीं, नंबर वगैरह जल्दी आ जाते हैं उनके, थकान हो जाती है, सब्जियां वगैरह नहीं खाते ना हरी सब्जियां, तो उसके लिए भी कुछ रेसिपी जो बच्चे भी खाए
ऐसे भी डाली हुई है मैंने, हाँ मतलब उसका स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में नहीं डाली हुई, बट मिक्स करके तो मैंने कुछ डाली हुई है रेसिपी बेल पेपर वगैरह की, जैसे कि बेल पेपर होती है ना रेड येलो और ग्रीन जो कैप्सिकम होती है, कैप्सिकम हाँ हाँ, उसको काट लिया, उसके साथ साथ ये जो ब्रोकली होती है उसको भी छोटा छोटा ब्रोकली मालूम है ना, हाँ गोभी जैसी होती है फूल गोभी जैसी, हाँ वो छोटा छोटा काट लिया, हाँ लेटिस हो गया, और इसी में ही आप ऐड कर सकते हैं हल्की सी टोमेटो, हाँ लेटिस तो पत्ते हो गए और टोमेटोज, तो वो उसको भी छोटा छोटा काट के, और ये सब आप हल्का सा ऑलिव ऑयल लें एक पैन में और बस उसके साथ उसको हल्का सा मिक्स कर दें, थोड़ा सा नींबू डालकर बस सर्व कर दें, खा लेते हैं रोटी के जो आटा गूंथते हैं उसके अंदर ही डाल देते हैं और फिर बनते बनाते हैं, या तो फिर बनाना केक कैरोट केक बनाते हैं, तो ये भी मम्मियां जो है वो टेक्निक यूज करती है, कई बार करती हैं कि दाल वगैरह जैसे बच्चे नहीं खाते हैं तो उसको आटे में टाइट सा गूंथ लिया और उसके बाद उसके पराठे बना दिए, दाल हो गई सब्जी हो गई सब अपना आटे में, अच्छी टेक्निक है, अच्छी ट्रिक है, हां हां, और उसके ऊपर आई थिंक मे बी हनी डाल दे तो बच्चे को मीठा खाने के चक्कर में वो भी चला जाएगा, अच्छा हाँ वही जिनको अगर मीठा पसंद है बच्चों को, हाँ तो ये भी कर सकते हैं, उस हिसाब से अभी तक ग्रो नहीं है, उस हिसाब से तो इतना नहीं हो रहा है मेरे को, वही है कि मैं कंसिस्टेंसी मैंने रखी हुई है कि मैं जो हूँ अपने उस पर वो हूँ पेशेंस लेकर ले चल रही हूँ, कि वरना अब तक मेरे को सब ये बोलते हैं इतना 2 साल हो गए हैं, अब तक तो और कोई होता तो छोड़ देता, बट मैंने कंसिस्टेंसी और वो मैंने की हुई है, तो मुझे है कि एज अ मतलब मैं उसको एज अ शौकिया ही लेकर चल रही हूँ, मैं उसको ऐसा वो नहीं लेकर चले कि भाई मनी मेरे को इससे जनरेट करना है या मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ठीक है मेरे को ये है कि मतलब वो है कि हाँ थोड़ा फेमस वाला वो है कि वो हो जाए ठीक है धीरे धीरे, और एक का प्लस पॉइंट ये हाँ, है मजा मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें कि मजा एक सब्सक्राइबर में मेरा बढ़ता है तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और दूसरी चीज ये है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, कल मैंने आपको रियल बात बताऊं, कल मैंने एक रील डाली थी वो 1 मिनट में बनाए ब्रेड पिज्जा, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा, उसमें मेरे 3,000 से ऊपर व्यूज आए हैं और उससे मेरे को 10 सब्सक्राइबर मिले हैं, क्या बात है उस वीडियो से, हाँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस रील से, तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन उधर की तरफ, मेरे 2 भी अगर सब्सक्राइबर बढ़ते ना तो मेरे को ऐसा मोटिवेशन हो जाता है कि नहीं मेरे को और करना है और करना है और करना है, और वैसे शॉर्ट्स या तो रील्स जो है ना उससे तो ग्रोथ बहुत जल्दी होते हैं आज के समय में, अभी तो क्या है कि बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं इसमें कुकिंग के अंदर, जैसे कि कॉम्पिटिशन है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई इसमें जो है लोग क्या क्या करते हैं, एक तो जो है नॉर्मल हम कुकिंग करते हैं, फिर किड्स का कुकिंग हो गया, फिर जो है मिठाइयाँ हैं वो भी डिफिकल्ट है, मिठाइयाँ अलग अलग मिठाइयाँ बनाना, जैसे कि कविता किचन में आपको मिठाइयाँ नहीं दिखेगी बट आप निशा मधुलिका के जाओगे तो उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, तो उनके पास उसका भी काफी नॉलेज है, बट ये दोनों चैनल के अंदर आपको जो है बेकरी का ज्यादा नहीं आएगा, तो बिस्किट वगैरह है केक वगैरह है वो बेसिक आएगा बट उसमें थोड़ा सा आगे नहीं होगा, ज्यादा नहीं है, फिर अब लोग जो है जैसे कि आपने 5 मिनट कुकिंग है ऐसे 1 मिनट कुकिंग का भी कंसेप्ट है, फिर थोड़ा सा आपने कभी शॉर्ट्स भी देखे होंगे कि ऐसे चाकू चलाते हुए ये कर रहे हैं, फिर उड़ा के ये कर दिया, फिर काट लिया, फिर थोड़ा सा ये डाल दिया फटाफट, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट करके 1 मिनट में वो पूरा डिश फिर वो खा के दिखाते हैं कि भाई हमने ये बनाया, फिर मिनिएचर कुकिंग का भी एक है कि छोटे छोटे बर्तन में कुकिंग किया, अच्छा भी आपने शायद देखा होगा कहीं ना, वो तो बहुत ज्यादातर इन्हीं को ही देखती हूँ, निशा मधुलिका कविता किचन एंड देन ये कनक, और इसके अलावा भी भरत किचन है, कुकिंग शुकिंग है, इनके भी अच्छे हैं, रेसिपी से लेकर हाँ चटोरे मेरे चटोरे तो उसमें फिर एक और भी है कि कुकिंग के अंदर ये तो हो गया एक छोटा वाला कुकिंग, छोटी चीज वाला कुकिंग है,
और दूसरी चीज है कि बल्क में कुक करना, वो भी बहुत ट्रेंड में, वो तो काफी समय से ट्रेंड में चल रहा है कि भाई 100 लोगों का बिरयानी बना दी, 100 लोगों का मैगी बना दिया, फिर वो एंड में क्या करते हैं कि एंड में कोई ऑर्फनेज में जाके उसको खिलाते हैं, फिर उसके वीडियोस करते हैं। तो मतलब एक सोशल मोटिव हो जाता है कि भाई खाना भी बन रहा है और किसी को आप खिला भी रहे हो। तो आप भी ऐसा महीने में एक बार ऐसा कर सकते हैं। मैंने अभी अभी 51 हाँ मैंने अभी 51 लोगों के लिए अभी कड़ी बनाई थी। मैंने उद्यापन किया था असल में वैभव लक्ष्मी के व्रत का, तो मैंने घर पर ही 51 लोगों को बुलाकर जो है फैमिली को बुलाकर खाना खिलाया था, प्रॉपर खाना बनाया था। तो उसमें जो वो मैंने खीर की रेसिपी उसमें डाली है, 51 लोगों के हिसाब से ही वो बनाई है, रेशो जो है उतने ही लोगों का है। तो आपको मतलब आप बल्क कुकिंग भी रेशियो भी मतलब वो कर सकते हैं। अच्छा हाँ इस बात है मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आपको उसका भी मतलब आइडिया है कि बल्क कुकिंग अगर किसी किसी बल्क में कर पड़े दिमाग लगाना पड़ेगा बट हो जाएगा। नहीं नहीं हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। असल मेरे को कुकिंग के शौक है, तो उसमें मैं अपनी सोसाइटी में भी सबको खिलाती रहती हूँ। सबको पता है पूरी सोसाइटी में कि ये जो है शालू गोयल जो है इनको कुकिंग का बड़ा शौक है, चैनल है, तो सब बोल देते हैं कि भाई अब हमें हमें ये खिलाओ, आज ही आज क्या बनाया तुमने ये रेसिपी, अरे मेरे को खिला देना, मेरे अब भेज देना थोड़ी सी। सबको पता है कि आदित्य, मेरे बेटे का नाम है आदित्य, तो कि आदित्य तो बड़ा किस्मत वाला है। हाँ आदित्य वो बड़ा, उसको तो बहुत सारी डिशेज मिलती रहती है खाने के लिए, तो उसके साथ के जो फ्रेंड्स हैं राशि में वो सारे ऐसे बोलते हैं यार तू तो बड़ा किस्मत वाला है, तेरे को तो हमें भी कुछ खिला दिया कर, हमें भी हमारे तो कुछ बनता नहीं है ऐसे ऐसे करके। तो मैं कभी किसी, हमेशा बच्चे हैं जैसे मेरे फ्रेंड्स, वो डॉटर्स के जो फ्रेंड्स हैं उनको वो भी बच्चे आते रहते हैं, कहते रहते हैं आंटी हमें कुछ बना के खिलाओ कुछ खिलाओ, तो सबको कभी कुछ बनाती है तो उसको भेज दिया कर, कभी कुछ बनाया उसके घर भेज दिया। कई बार क्या होता है बच्चे तो अपना खा खा के बोर हो जाते हैं घर में मेरे हाथ का, तो दूसरे बच्चे जो है वो ज्यादा मिलता नहीं है, हम लोग घर में कम बनता है इस तरह की डिशेज, जॉब वाली है लेडीज तो नहीं कर पाती इतना काम, तो बस ऐसे में सब उनको भेज देती हूँ खाना, नूडल्स बनाए तो बच्चे कम खाते हैं उनको भेज दिए तो बच्चे खुश हो जाते हैं सब। सही है। ऐसे ही एक आप उसमें भी जा सकते हैं रोबिनूड आर्मी करके है, वो भी आप लिखना हो तो लिख लो, रोबिनूड आर्मी है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो झोपड़पट्टियों में जाके लोगों से खाना कलेक्ट करके फिर झोपड़पट्टियों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप उसका भी कुछ व्लॉग बनाना हो या तो आप खुद ही कुछ थोड़ा सा 15-20 लोगों का कुछ दाल चावल राजमा चावल बना के बनाए, हाँ तो रेसिपी की रेसिपी और डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एक जो है कंबाइन, तो उससे भी जो है मतलब ग्रोथ बढ़ेगा। आप खुद जाओ रेसिपी हमने बनाई हाँ बना के वहां लेकर गए हाँ उनके थ्रू रोबिनहुड आर्मी के ग्रुप में आपको ज्वाइन कर देने का, फिर वो उसमें उसका व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें टाइम आ जाता है कि भाई चलो इस टाइम पे ये जो प्रॉपर्टी में जाना है या तो ये कंस्ट्रक्शन साइट के गरीब बच्चों को देने के लिए जाना है। ओके अच्छा 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 ये पूरा का जो है फिर भी बता दीजिए नाम। रोबिनहुड आर्मी ROBIN ROBIN हां हुड HOOD हुड हां आर्मी ARMY इसमें आपको उनकी वेबसाइट पे जाके हां उस पे जाके रजिस्टर कर देगा, फिर आपका वो व्हाट्सएप नंबर डालेंगे तो उसका वो व्हाट्सएप ग्रुप चालू हो जाएगा दिल्ली का, उसमें अच्छा। आपको बोलने का कि भाई मैं 50 बच्चों को या तो जितने भी आपको करना है अच्छा, वो देना चाहती हूँ, फिर वो आपको रेडी रखने का वो डेट एंड टाइम पे वो आपके घर अच्छा। से कलेक्ट कर जाएंगे, बट उनको बोलने का भी मैं भी आऊंगी और ये थोड़ा सा वीडियो का भी करना है तो उनको बता देने का, तो वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देंगे। बच्चे जो खा रहे हैं उसका भी छोटा छोटा क्लिप बना के कर सकते हैं और उससे आपका ग्रोथ होगा, मतलब आपको तो अनबिलीवेबल ग्रोथ हो जाएगा, 10-15 हज़ार बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर, ये चीज तो बहुत काम कर